नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज शाम की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में TGT बैच वाइज भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया टली। तो जी हां, हिमाचल प्रदेश में TGT बैच वाइज जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वह अब टल चुकी है और इसका कारण है हिमाचल के बाहर फंसे छात्रों का होना। हिमाचल के बाहर फंसे हुए छात्रों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो चलते हैं इस खबर के पूरे विस्तार में। हिमाचल प्रदेश में TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के पदों की बैच वाइज भरने की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते कुछ छात्रों के हिमाचल के बाहर फंसे होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि यह प्रक्रिया पहले 25 जून से शुरू होनी थी और 10 जुलाई से पहले पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अब ये प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन निदेशालय की तरफ से आज ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और आदेशों के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है। वहीं पे बात की जाए दूसरी तरफ, तो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की गई है बेरोजगार संघ की तरफ से। और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मनकोटिया का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जो खाली पद पड़े हैं उसकी वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा 1999 से लेकर 2003 बैच के हजारों पात्र उम्मीदवार हिमाचल में ही मौजूद हैं, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए और जो छात्र लॉकडाउन के कारण हिमाचल से बाहर हैं उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग का मौका दिया जाए। तो फिलहाल बड़ी न्यूज़ यही है कि TGT बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है।